हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा हो जिसमें हम लोग फ्री फॉल कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पहला केस लिया था, ऑब्जेक्ट बीइंग ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, और उसको हम लोगों ने एनालाइज किया था इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, ग्राफ्स एंड क्वेश्चन। तो अब दूसरा केस करेंगे। मैंने तब भी बताया था कि तीन केस बन सकते हैं। एक आपने रेस्ट से किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया, दूसरा आपने ग्राउंड से थ्रो किया और पूरा एसेंड टू डिसेंड मोशन जो भी करने वाले हैं, थर्ड किसी हाइट से थ्रो किया गया। थ्रो करने का मतलब थ्रो अपवर्ड और थ्रो डाउनवर्ड। तो अभी ग्राउंड से हम लोगों ने अगर थ्रो किया है, हम ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा है, तो उसके मोशन को हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू, ये हमारा दे रखा है। तो जैसे ही हम उसको अपवर्ड थ्रो कर देंगे तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे लगने लगेगा। अब हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी यू दी थी वो प्लस यू है, और जो एक्सेलरेशन उसमें आएगा ग्रेविटी की वजह से जी, उसको हम लोग एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो साइन के साथ प्लस जी या माइनस जी को लेना था। बट अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें तो थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगा है, इसलिए ए को हम लोग थ्रू आउट द मोशन माइनस जी लेंगे। ए को हम लोग थ्रू आउट द मोशन क्या लेंगे, माइनस जी। तो अब देखिए, मैंने क्लास में उस समय नहीं बनाया था एटी कर्व, लेकिन मैं अभी बना दे रहा हूँ कि अगर हम इसका मोशन का एटी कर्व बनाएंगे, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम कर्व बनाएंगे, तो आप देखिए एक्सेलेरेशन निगेटिव कॉन्स्टेंट है, ए इज इक्वल टू माइनस जी, ये रहा निगेटिव कॉन्स्टेंट, टाइम एक्सिस के पैरेलल है और वैल्यू इसकी रहेगी माइनस जी। नेगेटिव कांस्टेंट, एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनेगा एटी कर्व अगर बनाए। दूसरी चीज, अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब भी वेलोसिटी एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो मैंने आपको एक्सेलेरेशन वाले वीडियो में क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड घटती है, इसलिए जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो ऊपर जाने वाले मोशन को बोलते हैं एसेंट, नीचे आने वाले मोशन को बोलते हैं डिसेंट। तो ड्यूरिंग द एसेंट जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो इसकी स्पीड घट रही होती है, और घटते घटते और घटने स्पीड घटने को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो वही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस समय रिटार्डेशन का काम कर रहा है। तो रिटार्ड होते 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 ऑब्जेक्ट जब पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो वहां पे उसकी स्पीड एक मोमेंट के लिए, इंस्टेंट के लिए जीरो हो जाएगी, और वो परमानेंटली रुका नहीं रहेगा क्योंकि उस पर अभी भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट नीचे आने लगेगा। नीचे आते वक्त वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलेरेशन भी नीचे, जी भी नीचे, तो स्पीड बढ़ने लगेगी, तो वही जी अब एक्सेलेरेशन का काम करने लगेगा। तो एसेंट रिटार्डेड था, डिसेंट एक्सेलेरेटेड है, लेकिन एक्सेलेरेशन दोनों में सेम है, ऐसा नहीं कि एक में प्लस जी एक में माइनस जी, ना एसेंट में भी माइनस जी था, डिसेंट में भी माइनस जी। कभी भी गलती से एक्सेलेरेशन का साइन मत बदलिएगा, स्कूल्स में कई जगह गलत तरीके से बता देते हैं, एक्सेलेरेशन का साइन थ्रू आउट द मोशन नहीं बदला है, क्योंकि एक्सेलेरेशन का साइन डायरेक्शन होता है, क्या वेट की डायरेक्शन चेंज हुई ना, वेट हमेशा नीचे लगा है, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी चेंज हुई, एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे है, और नीचे को हम हमेशा अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव हमने साइन कन्वेंशन माना है, तो माइनस ही लेंगे ए माइनस जी। तो ए का तो ग्राफ मैंने थोड़ा दो मोशन बता दिया, माइनस जी, कभी भी उसको प्लस जी माइनस जी में मत तोड़ेगा। अब आते हैं वेलोसिटी, किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो मान लीजिए टी टाइम बाद हमें वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने लिखा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो खैर प्लस था तो प्लस यू, ए की जगह लिखेंगे माइनस जी तो लिखा माइनस जी, तो ये बन गया वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब जब मैंने v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लिखा तो मुझे ये बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये देखिए वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाया है मैंने, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ। तो देखिए टाइम यहाँ पे x है और v यहाँ पे y है, तो ये बन रहा है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब है कि स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ये देखिए लाइन बनेगी स्लोप निगेटिव वाली, ये जो लाइन है इसका स्लोप निगेटिव ऑब्टूज एंगल बना रही है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये देखिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाली हमारी लाइन बन रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है वीटी कर्व, स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाला। अब देखिए ये थी इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, घटते घटते यहाँ पे आके पीक पॉइंट पे पहुंचा, स्पीड जीरो हो गई, और ये फिर जब वेलोसिटी निगेटिव क्यों हो गई, पहले एसेंट था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, अब डिसेंट में जब नीचे आने लगा तो वेलोसिटी निगेटिव हो गई, ये पूरा मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। अच्छा, पीक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये रहा पीक पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो ग्राउंड से लेके पीक पॉइंट तक जो पहुंचने का टाइम होगा वो टाइम ऑफ एसेंट होगा। तो क्या करें, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी में v को जीरो रखते हैं, तो टाइम ऑफ एसेंट निकल आएगा, तो u माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू जी टी, तो t इज इक्वल टू u बाई जी, ये वाला जो टाइम निकला है u बाई जी, ये टाइम ऑफ एसेंट है,
क्या है, टाइम ऑफ एसेंट है। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम मिल गया तो हम लोग कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जितनी देर तक बॉल एयर में रही, तो पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, एसेंट और डिसेंट। तो जब बॉल नीचे आ गई होगी तो उस पूरे टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया होगा। जब बॉल घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक जगह रख देंगे माइनस जी, तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को जीरो रख दिया, यू टू इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी से टी कट गया तो टी की वैल्यू आ गई 2u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो आया 2u/g। अब ये बताइए टाइम ऑफ एसेंट था u/g, टोटल टाइम 2u/g, तो 2u/g में से u/g चले गए, तो टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का टाइम 2u/g में से u/g के तो u/g। तो इसका मतलब है कि बॉल जब ऐसे ग्राउंड से थ्रो की जाती है जितना टाइम ऊपर जाने में टाइम ऑफ एसेंट लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में टाइम ऑफ डिसेंट लगता है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होने का मतलब है कि जो एसेंट और डिसेंट मोशन होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाएंगे।